Hello everyone, my name is Harish and the topic for today's session is Holi. It's a chapter from Footprints and it's a 10th standard NCERT book syllabus. So let's read it out what the chapter is all about. From her very childhood, Holi was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? Did Holi measure up to her teacher's expectations? कि ऐसा क्या था कि पूरे घर उसे जहाँ पर वो पैदा हुई थी बोली उसका जो पूरा घर था वो उसे नेगलेक्ट करता था लाइक कोई उसे पसंद नहीं करता। नेगलेक्ट मतलब एकदम से केयरलेसली अवॉइड करना, बिल्कुल जिससे कोई मतलब ही नहीं करता, ये माहौल था उसके घर पे उसके प्रति। ओके, एंड व्हाई डिड हर टीचर, जो उसकी टीचर थी उसे इतना इंटरेस्ट क्यों आया बोली में, और ऐसा क्या था लाइक क्या बोली उस एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है जो एक टीचर ने एक्सपेक्ट किया था। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीचर अगर हमें पढ़ाता है तो कुछ छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस टीचर्स की होती हैं, बस ऐसा कुछ नहीं, जो वो पढ़ाए आप समझें उसे सही तरीके से इन्वॉल्व करें लाइफ में और उससे इवॉल्व हो लाइक उससे कुछ बेटर कर सकें, एंड ऑल्सो लाइक जो भी आप पढ़ते हो उसमें कुछ अच्छे बेटर मार्क्स स्कोर कर सको। सो दैट इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच एंड एवरी टीचर इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, जो हम बच्चों से रखते हैं। सो दैट वॉज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर टीचर। क्या वो भूली उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरती है लाइक जो वो चाहती है उसकी टीचर वैसा कुछ वो करती है या नहीं करती। सो दैट्स व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। हर नेम वाज सुलेखा। सो सुलेखा भोली का असली नाम है, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। मगर बचपन से ही उसको सारे लोग जो उसके गाँव में है या फिर फैमिली मेम्बर्स है वो उसे भोली बुलाते हैं। The simpleton. Simpleton is something like it's a person with least common sense. मतलब common sense की जिस इंसान में बहुत कम ही होती है, ठीक है, वो छोटी छोटी चीजें नहीं समझ सकता, उस इंसान को simpleton बोलते हैं। She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। वो अपने घर में चौथे नंबर की बेटी थी, लाइक इससे बड़ी उसकी तीन बहनें और है, और उसके पिताजी का नाम क्या है, रामलाल। So these are some important things you need to remember like when you are studying a chapter. That what is the real name of Holi? Sulekha. What's the father's name of Holi? That's Ramlal. And she had three elder sisters. And so total number of sisters in her family were four, including herself. So ये कुछ चीजें हैं when you read a chapter you should keep in your mind. ठीक है? Some important facts. So when she was 10 months old, she had fallen off the cot of her head and perhaps it had damaged some part of her brain. तो ऐसा क्या हुआ था कि 10 महीने की जब वो थी तो कॉट, कॉट का मतलब खाट, खटिया या फिर चारपाई, जिस भी लैंग्वेज में हम लोग उसे प्रोनाउंस करते हैं, लाइक एक रस्सी से बंधी हुई चारपाई होती है जो रस्सी से बनाई जाती है, उसे लेटने वगैरह के लिए काम में आती है गाँव वगैरह में, देहातों में। सो वो क्या होती, 10 महीने की जब थी तो वो उससे सर के बल गिर गई थी, तो लोगों को क्या लगता था कि कुछ ना कुछ वहीं से परेशानी उसको दिक्कत पैदा हो गई है। सो व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑफ हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi. तो बस यही वजह थी जो कि 10 साल की जब वो थी, जब वो गिर गई थी तो उसके ब्रेन डैमेज हो गया, लाइक कुछ ना कुछ उसे चोट लगी जिसकी वजह से she started behaving abnormally. तो और यही रीजन थी कि पूरा गाँव से थोड़ा पिछड़, मतलब वो थोड़ी पिछड़ी थी, लोगों के बराबर नहीं थी, तो इसीलिए उसे थोड़ा भोली भी बोलते थे और सिंपलटन लाइक a person with least less common sense. At birth, the child was very fair and pretty. जब वो पैदा हुई थी तो बहुत गोरी थी और बहुत pretty थी, बहुत सुंदर थी. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. मगर जब वो 2 साल की हो गई तो उसको क्या हो गया, smallpox हो गया. Smallpox, what is smallpox? Smallpox क्या होता है, एक टाइप की बीमारी होती है जो like चेचक, चेचक जिसमें छोटे 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 लाइक इन्फेक्शन कह सकते हैं आप, दाग धब्बे टाइप में हो जाते हैं पूरे चेहरे पे, ठीक है, दैट इज लाइक इन 19th सेंचुरी इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट नोन डिजीज, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की जनरेशन ने, बट नाउ इट्स बीन कवर्ड, आप थोड़ी इसके क्या कहते हैं वैक्सीनेशन वगैरह अच्छे से प्रॉपरली लोगों को दी जाती है तो ये थोड़ी कम हो गई है डिजीज। Only the eyes were safe. तो पूरी बॉडी पर उसके चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो चुका था, सिर्फ उसकी आंखें बची थी, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक्स मार्क्स। तो बाकी पूरी बॉडी उसकी जो थी
वो बुरी तरह इन्फेक्टेड थी, किससे? इन्हीं काले काले मतलब जो धब्बे होते हैं लाइक स्मॉल पॉक्स के, उनसे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। तो क्या हुआ कि सुलेखा जो थी वो बहुत 5 साल तक तो पहले तो बोलना नहीं सीख पाई थी, मगर जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, शी स्टैमर्ड, मतलब वो जो बोलते हैं ना लाइक हकलाना लाइक रुक रुक के बोलना है ना, दैट लैंग्वेज। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और बाकी के जो लोग बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी नकल उतारा करते थे। मिमिक का मतलब मिमिक्री करना, ठीक है, किसी की नकल उतारना, किसी को इमिटेट करना। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और इस वजह से जब लोग उसे बहुत चिढ़ाया करते थे तो व्हाट शी यूज्ड टू डू, शी जस्ट यूज्ड टू स्पीक वेरी लेस, उतना ज्यादा बोलती नहीं थी और शांत रहा करती थी, ठीक है। बिकॉज शी न्यू शी विल स्पीक समथिंग शी विल बी स्टैमरिंग एंड द मोमेंट शी विल स्टैमर पीपल विल मेक फन ऑफ हर, तो उसको लगा कि यार लीव इट, यार बोलना ही बेकार है। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 7 मतलब रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे एंड 4 डॉटर्स, ओके, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। तो इन टोटल 4 महीने हैं जिसमें से एक भोली है 4th नंबर की, और इसके अलावा रामलाल जी के 3 बच्चे और हैं जो कि लड़के हैं। एंड द यंगेस्ट सन, यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। सो एक्चुअली वॉट, अच्छे खासे प्रॉस्पर मतलब खाते पीते घर खानदान से थे मिस्टर रामलाल, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी 7 बच्चे पालने में, अच्छा खासा खा पी रहे थे और के सारे बच्चे क्या है ना बड़ी तंदुरुस्त थे, लाइक आराम से उन्हें खाने पीने को मिल रहा था, मस्त। ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो उनके जो भोली थी जो ठीक है, भोली को छोड़ के उनके सारे के सारे बच्चे एकदम हष्ट पुष्ट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग थे, खाते पीते एकदम सही थे, ठीक ठाक, बट जो भोली थी वो थोड़ी कमजोर थी। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। तो जो बच्चे थे, जो बेटे थे उनकी, एज यू नो इन अर्लियर डेज ड्यूरिंग दैट सेंचुरी व्हाट वी पीपल यूज्ड टू डू, वी पीपल एक्चुअली यूज्ड टू सेंड ओनली सन टू स्कूल। जो लड़के होते थे घर के वही स्कूल में जाया करते थे, लड़कियों को अलाउड नहीं थी, देर वॉज नो एजुकेशन सिस्टम फॉर गर्ल्स। लेटर ऑन देर आर नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज बीन अराइव, बहुत सारी चेंजेस हुए, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई राजा राम मोहन रॉय के टाइम से, लाइक देर आर नंबर ऑफ थिंग्स चेंज्ड फॉर द फीमेल सेक्शन ऑफ आर सोसाइटी। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से चेंजेस आए, मगर तब की बात है जब लड़कों को नहीं भेजा था और लड़कियों को स्कूल भेजना ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन हुआ करती थी फैमिलीज के लिए। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू द स्कूल एंड लेटर इन कॉलेजेस, और उसके बाद कॉलेजेस में भी दाखिला कराया गया ऑफ द डॉटर्स राधा, और जो उनकी लड़कियों की बात थी उसमें राधा जो थी, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। तो जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम था राधा और उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरे नंबर की बेटी थी भाई उनकी भी शादी ऑलमोस्ट पक्की हो गई थी, तो समझ लो बस बारात आनी बाकी रह गई थी, बाकी सब काम हो चुका था, ठीक है। अब तीसरी बेटी, एंड व्हेन दैट वाज डन, और जैसे ही मंगला की शादी हो जाएगी उसके ठीक बाद रामलाल जी का अगला टारगेट है लाइक अब मैं अपनी तीसरी बेटी की शादी भी कर दूंगा। द थर्ड वॉज ऑल्सो being almost ready to get married. तो तीसरी बेटी का उनका नाम था वो क्या था, चंपा। They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms over. तो जो उनकी तीनों बेटी थी वो काफ़ी सुंदर थी, हेल्दी थी, अच्छे खासे मतलब खाते पीते मतलब सही फिट थी, तो वो क्या है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी लड़का ढूंढने में, क्योंकि लड़का पसंद कर लेगा, मगर दिक्कत कहाँ आ रही। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, मगर दिक्कत यहाँ आ रही थी कि रामलाल जी परेशान थे भोली के लिए कि चलो ये तीनों लड़कियाँ मेरी सुंदर हैं, सुशील है, अच्छी है, हेल्दी हैं, इनकी तो मैं शादी कर दूंगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर मैं भोली का क्या करूँ, शी आर नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो ये देखने में ढंग की लगती है, मतलब सुंदर है बस सूरत है, और ना इसमें 2 पैसे की अकल है, मतलब जैसा उसके पिताजी को फील होता था। So is the picture description over here. You can see the father is sitting, Mr. Ramlal is sitting here, talking to her wife. उसके जस्ट सामने उनकी तीसरी बेटी है या फिर दूसरे नंबर की बेटी है, और इधर है भोली जिसकी कंडीशन आप देख सकते हो, हाउ यू नो हाउ डर्टी शी इज लुकिंग, लाइक कैसे उसको रखा जा रहा है, लाइक कपड़े, उसकी शक्ल, एंड शी इज बीन ट्रीटेड लाइक अ बैगर इन दैट हाउस। इतनी बेचारी की इतनी बुरी कंडीशन है, सो शी इज बीन ट्रीटेड दैट वे।
होली वॉज 7 years ओल्ड वेन मंगला गॉट मैरिड. तो सबसे बड़ी वाली दीदी जो थी उसकी, मंगला जो सबसे बड़ी बेटी है रामलाल की, जिनकी शादी हुई थी, तब होली सिर्फ 7 साल की थी. द सेम ईयर अ प्रायमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दैट विलेज. और उसी साल उस स्कूल में एक प्राथमिक विद्यालय खुला, मतलब एक प्राइमरी स्कूल भी खुला उसी साल जिस साल मंगला की शादी हुई. द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. तो क्या होता है, लाइक तहसीलदार इज द वन ऑफ द डिग्निटी ऑफ द, लाइक बहुत इज्जतदार इंसान है तहसीलदार साहब. तो गांव वगैरह में व्हाट हैपेंस, लाइक व्हेनेवर देयर इज अ सेरेमनी या फिर किसी टाइप का उद्घाटन होता है, तो पीपल यूज्ड टू इनवाइट सम रियली ऑनर्ड पीपल. लाइक किसी ऐसे को ऑनर करते हैं जो मतलब खासा इज्जतदार इंसान है, अच्छी पोस्ट है, ठीक है, तो उसका उद्घाटन करने के लिए. तो जब तहसीलदार साहब आए, उन्होंने उद्घाटन किया, तो उन्होंने बोला रामलाल को, ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज. ठीक है, जिस तरीके से लाइक खान खजाने की बात आती है रेवेन्यू ऑफिशियल्स की, तो आप हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक काफ़ी मुनाफा भी देते हैं, तो कुछ अच्छा नाम है उनका, उनका नाम कमाया गया हुआ, तो उनकी अच्छी पोजीशन थी स्कूल, मतलब वहाँ पर गांव में. तो तहसीलदार सर ने ऑर्डर किया कि जब आप रिप्रेजेंटेटिव हो इस गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की इस गांव की तरफ से, तो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर. तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजना चाहिए. ओके, सो दिस वॉज द ऑर्डर विच वॉज मेड बाई मिस्टर तहसीलदार टू रामलाल. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, are you crazy? If girls go to school, who'll marry them? वो कहता है तुम पागल हो गया, अगर लड़कियाँ स्कूल हम भेजने लग गए तो उन्हें शादी कौन करेगा. What a मतलब what a backward thinking, I think. मतलब कितनी, मतलब उस टाइम आई थिंक ये करेक्ट होगा उनके अकॉर्डिंग, बट हाउ चीप एंड हाउ वल्गर मेंटेलिटी पीपल हैव, कि मतलब लड़कियों को अगर भेजोगे स्कूल तो उनकी शादी नहीं हो पाएगी. सो यू कैन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से पहले जो लोग थे कि मतलब कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, लाइक फॉर अ फीमेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू जस्ट गेट एजुकेशन. बट आज एवरीथिंग इज सो चेंज, यू नो, इवन बोथ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज इक्वली वेल बिहेव्ड एंड लाइक हर कहीं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं. सो देयर लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंज नाउ. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, are you crazy? If girls go to school, who will marry them? But Ramlal had not courage to disobey the tehsildar. Magar Ramlal mein wo himmat nahi thi ki wo tehsildar ko kya kare, mana kar sake. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Boli to school as it's there a little chance to get her married. To kya hoga, unhone kaha ki chalo theek hai, meri baat mano. तुम भोली को स्कूल भेजो. क्यों? क्योंकि यही इकलौता एक लास्ट चांस है कि उसकी शादी हो जाए. ठीक है, शादी हो जाए. सो एज इट इज देयर अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस, ऐसी बदसूरत शक्ल होने के बावजूद उसकी शादी हम तभी करा सकते हैं जब वो पढ़ लिख जाए. एंड लैक ऑफ सेंस, और दिमाग भी बहुत ज़्यादा है, सेंस नहीं है. सो लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर. तो हम एक काम करते हैं, सारी जिम्मेदारी इसके स्कूल टीचर को ही दे देंगे, वही देखेगी, वही बढ़ा देगी, वही पढ़ा देगी. एंड लाइक जब ये ठीक ठाक समझदार हो जाएगी तो फिर उसकी शादी कर देगी. तो भोली के पिताजी को, रामलाल को लग रहा था कि यही इकलौता चांस है भोली का कुछ फ्यूचर सेट करने का. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेट, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल. भोली वॉज फ्राइटेड. तो अगले दिन रामलाल उठते हैं और भोली का हाथ पकड़ते हैं और उसे खींच के ले चलते हैं कि चलो बेटा आज तुम्हें स्कूल छोड़ के आएंगे. भोली वॉज फ्राइटेंड, शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक. तो एज यू कैन सी, भोली को पकड़ के स्कूल ले जाया जा रहा है, उसके पिताजी उसके साथ हैं और भोली बहुत ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि उसे नहीं पता ये स्कूल क्या नाम है, क्या चीज़ है, क्या है. शी वॉज अनअवेयर ऑफ एनीथिंग अबाउट स्कूल. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी had been turned out of the house and sold. बस उसे एक चीज़ याद आई कि किस तरीके से लास्ट कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले उसके पिताजी ऐसे ही जो उसकी गाय थी लक्ष्मी नाम की जो उनकी गाय थी उसको ऐसे ही ले गए थे पिताजी बाहर घर से पकड़, मतलब घर से पकड़ के और उसे बेच आए थे. तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, वो कहती थी जैसे मेरी गाय को उठा के ले गए थे पकड़ के बेचने, कहीं ये पिताजी मेरे को भी नहीं बेच के आया. तो शी वॉज वरीड, शी वॉज एक्चुअली टेरिफाइड. नो 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 नो,
शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। तो वो डर के मारे अपने पिताजी से अपना हाथ छुड़ा दे कि नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी भैया कहीं। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामला। तो उसके पिताजी उसको चल रहा है पागल हो गई है तुम एकदम, क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ही तो लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वियर सम डीसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हाट व्हेन दे सी हर। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, इसको कुछ अच्छे से कपड़े पहनाओ, कुछ साफ सुथरे ढंग के, ठीक है। कम से कम वो स्कूल लेके जाएंगे हमेशा, कम से कम इसके टीचर और स्कूल की लड़कियां या बच्चे जो भी है वो बड़बड़ाएंगे तो नहीं कि बताओ कैसे रखते हैं इस लड़की को घर पे, नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं इसके मम्मी पापा। तो वो उसके पापा बोलते हैं कि इसे थोड़ा सा ठीक ठाक करके तैयार कर दो, नहला धुला के तमीज से। न्यू क्लोथ्स हैड बीन नेवर मेड फॉर भोली। तो मतलब भोली की बेचारी की कंडीशन इतनी खराब थी उस घर में कि मतलब कभी बेचारी को काटने उसके मम्मी पापा ने नए कपड़े तक नहीं दिए। वही कट घिसे पटे पर मतलब फटे पुराने, किसी की उतरन जो भी है मतलब बड़े घर में जो थे उनकी उतरन, लाइक इट हैपेंस व्हेन यू आर यंगर इन फैमिली, व्हाट हैपेंस लाइक तुम्हें जो बड़ा होगा ना एल्डर ब्रदर तुम्हारा होगा उसकी अगर टी शर्ट छोटी रहेगी तो वो तुम्हें पहननी पड़ेगी। मतलब इट यूज टू बी अर्लियर टाइम, मतलब बहुत से घरों में मैंने देखा है, मगर मैं अपने घर में बड़ा हूँ तो इट वॉज नॉट अ केस फॉर मी। तो इट हैपेंस लाइक जो बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं अपने छोटे भाइयों को क्या कहते हैं लाइक वो कपड़े पहनने के लिए दे देते हैं पेरेंट्स। और भोली का भी सेम केस था, जो उसकी बड़ी दीदी थी उन्हीं के जो फटे पुराने उतरे हुए कपड़े होते थे लाइक पुराने हो जाते थे, जो उनके छोटे रह वो बड़े हो जाते थे और वो छोटे ही रह जाती थी ड्रेसेस, तो वो पहनती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। और आज तक कभी किसी ने कोई मतलब कोशिश नहीं की कि इसके थोड़े कपड़े वगैरह भी धो दिए जाए, ठीक है। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted champa. तो मगर आज उसे एक साफ सुथरी ड्रेस पहनने को मिलेगी जो shrunk after many washings, मतलब सुकड़ सी गई है बहुत बार धोने के बाद, ठीक है। और अब क्या है वो चंपा के फिट नहीं आती है, चंपा जो उससे जस्ट बड़ी है और घर में तीसरे नंबर की बेटी है। She was even bath and oil was rubbed on into her dry and matted hair. जो उसके झाड़ू बहुत जैसा मतलब एकदम कड़क जो बाल थे ना उसे नहलाया गया और उसके बालों पे भी आराम से तेल वेल लगाया गया और उसे तरीके से तैयार किया गया बिल्कुल स्कूल के लिए। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। जब उसे तैयार व्यार किया अच्छे से तमीज से उसे बिल्कुल, तब उसको पल्ले पड़ा कि हाँ भाई आप क्या है ना शायद मेरे को घर से बेटर जगह ले आ रहे हैं लोग, क्योंकि तैयार वैयार कर रहे हैं तो कहीं बेचने का मतलब ऐसा तो काम नहीं करेंगे, ठीक है, भीख भीख नहीं मंगवाएंगे, मगर कोई ढंग की जगह ही ले जा रहे हैं अगर मुझे तैयार किया। तो शी वॉज रिलैक्सड एंड फाइनली शी वॉज अबाउट टू गो टू स्कूल एंड शी वॉज रेडी फॉर दिस। व्हेन दे रीच द स्कूल द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम। जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे ऑलरेडी क्लासेस में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर दिस हिज डॉटर टू हिज टू द हेड मिनिस्टर्स। हेड मिस्ट्रेस कौन होती है, एक्चुअली जो टीचर्स होते हैं उनकी जो हेड होती है, एक तरीके से आप प्रिंसिपल भी बोल सकते हो या कोऑर्डिनेटर कुछ भी बोल सकते हो। तो शीज द वो जाते हैं रामलाल जी और उनको सौंप देते हैं किसको, भोली। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। तो बेचारी अब वो तो जिंदगी में उसने बेचारी ने कुछ देखा नहीं घर की चार दीवारी के अंदर, और इवन घर की चार दीवारियों के अंदर भी उसे इतना गंदा बर्ताव उसके साथ हुआ है तो उस बच्चे का सहमना बनता है। एक्चुअली शी इज लाइक शी इज बीन फियरिंग ऑफ समथिंग जस्ट बिकॉज शी इज नेवर फेल्ट दैट बिफोर, ठीक है। वो उसके लिए बहुत स्ट्रेंज और पहली बार वाली फीलिंग्स है, तो वो बहुत डरी और सहमी हुई है, और उन्हीं सहमी हुई नजरों से बेचारी वो क्या है अपने हेड मिस्ट्रेस को देख रही है। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाडेड ऑन मैट्स। स्क्वाडेड ऑन मैट्स लाइक मतलब पालती वालती मार के जो बैठना होता है, दे वर सिटिंग ऑन दैट वे रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। तो वो क्या कर रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे और स्लेट्स पे लिख रहे थे। द हेडमिस्टर आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। तो जो हेडमिस्ट्रेस थी वो बोलती है भोली को तो बेटा आप किसी भी क्लास में जाकर बैठ सकते हो। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. तो भोली को तो वैसे भी मैंने बताया कोई आइडिया तो था नहीं
कि व्हाट स्कूल एग्जैक्टली लुक्स लाइक, बट शी वॉज एटलीस्ट रिलैक्स्ड एंड शी वॉज ग्लैड कि हाँ चलो मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पर जो मेरी एज ग्रुप की हैं। लाइक वो छोटी सी थी तो उसे कुछ फ्रेंड्स टाइप की गर्ल्स मिल गई कि हाँ, क्योंकि व्हेन यू आर स्मॉल यू विल फाइंड योर एज ग्रुप टू बी फ्रेंड, है ना, कि मेरे टाइप के या मेरी एज ग्रुप के लोग हो तो वो अच्छा लगता है। शी फेल्ट द सेम। और वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी और घर पे भी उसकी कोई अच्छा मतलब उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं होता था, तो तुझे वो शी वॉज ग्लैड कि चलो मैं बहुत मतलब कहीं अच्छी जगह आई हूँ। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसे उम्मीद थी कि इन्हीं सारी लड़कियों में से शायद मेरी भी कोई दोस्त बनेगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल बट बोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। तो वो जो टीचर थी वो अब जो ऑलरेडी बच्चे आ रहे थे रोज वो तो ऑलरेडी क्लास में रहते थे तो वो कनेक्ट कर सकते हैं मैडम को क्योंकि वो पढ़ रहे हैं रोज, बट बोली के कुछ समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज शी वॉज वेरी न्यू टू दैट क्लास। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो इधर उधर पिक्चरों की तरफ देख रही है। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो कलर थे लाइक उस क्लास में वो बहुत ज़्यादा उसे फैसिनेट कर रहे थे। The horse was brown, just like the horse on which the tehsildar had come to visit their village. जो उन्होंने एक हॉर्स देखा लाइक जो घोड़ा था वो बिल्कुल वैसा था जिसपे तहसीलदार बैठ के इसको मतलब विलेज में आए थे, गांव में आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक अ गोट ऑफ देयर नेबरहुड, अब बकरी जो है वो काली है बिल्कुल उस तरह जैसे उनकी पड़ोसी की बकरी काली है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, ठीक है, जो क्या कहते हैं आम के बागान में जो तोते उन्होंने देखे थे पैरट्स, वो पैरट्स बिल्कुल उनकी तरह है। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, ठीक है, और जो गाय बनी थी वो उसकी उसी गाय की तरह है जिसको उसके पिताजी ले के बेच आए थे। तो बड़े ही लाइक रिलेटेड शी वर फाइंडिंग हर रिलेटेड थिंग्स, जिससे उसे मिलती जुलती जो चीज़ें थी लाइक तोता हो गया, घोड़ा हो गया, बकरी हो गई, गाय हो गई, तो वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी और देख रही थी यार ये तो रियल चीज़ें भी हैं, ठीक है। एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, तो वो सडनली जब बोली का इन चीज़ों से ध्यान हटा तो उसने देखा कि उसके जस्ट सामने उसकी टीचर है और वो उसके सामने खड़ी हुई है और उसे देख कर मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, बो बो बो, शी कुड नॉट स्टैमर, शी वुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट। तो वो क्या हुआ, एज यू नो वो शी यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट, थोड़ा रुक रुक के बोलती थी वो, तो उसके आज के मुँह से उसका पूरा नाम नहीं निकल पाया। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. तो बेचारी के क्या होता है मतलब आँखों से आंसू बहने लगते हैं डर के मारे, बिकॉज आई थिंक इतनी सहमी हुई है कभी कुछ देखा नहीं है, तो शी विल हेल्प और लिटरली उसको सिर्फ डांट ही पड़ी है तो उससे कैसे भी बात करो वो बेचारी रो ही जाएगी। शी kept her head down and she sat in the corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि जैसे ही उसने स्टैमर करना शुरू किया मतलब रुक रुक के बोलना, तो आपने देखा होगा कुछ होते हैं बेवकूफ़ बच्चे जो किसी बात पे असर होते हैं, तो वैसे ही कुछ लड़कियां उस क्लास में भी थी बेवकूफ़ टाइप की जो उसके रुक रुक के बोलने पे भी हंस रही थी और वो इसी चीज़ को देख के थोड़ा सहम गई और थोड़ा डर गई और उसके ने क्या हुआ अपनी गर्दन क्या है नीचे कर दी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. तो जैसे ही बैल बजी हैव यू सीन के बच्चे कैसे दौड़ लगाते हैं गेट की तरफ, क्या है छुट्टी हो गई, वही हाल उस क्लास का भी था उस स्कूल का भी था, मगर बस एक बोली थी जो चुपचाप उस कमरे में अब भी उस कॉर्नर में बैठी हुई थी कोने में चुपचाप। हर हेड स्टिल लोअर, उसका सर अभी भी झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, और सिसक सिसक कर रो रही थी अब भी बोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड समथिंग इन ऑल हर लाइफ, ठीक है, द टीचर वॉज वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, मतलब इतनी प्यारी आवाज़ थी उसकी टीचर की जब उन्होंने आवाज़ लगाई ना भूली। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। तो पूरी जिंदगी में क्या है ना उसको कभी किसी ने इस तरीके से नहीं बुलाया था, बट जैसे ही उन्होंने इतने प्यार से बुलाया तो मतलब उसके दिल को छू गया कि लाइक इतने मतलब कितने प्यार से किसी ने मुझे बुलाया, क्योंकि जिंदगी में उसके घर वालों ने कभी उससे तमीज़ से बात नहीं की। तो शी वॉज एक्चुअली स्ट्रेंज एंड वेल लाइक फेल्ट हर हार्ट। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट कमांडेड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, भोली वॉटर, ठीक है।
तो गेट अप, मतलब जैसे मैंने बोला वैसे नहीं, बहुत प्यार से बोला उस टीचर ने, ठीक है बेटा प्लीज गेट अप, ऐसे इतने प्यार से, इससे भी ज्यादा प्यार से, बट एक्चुअली शी फेल्ट इट एंड शी एक्चुअली स्टूड अप. क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने इतने फ्रेंडली और प्यार से उससे बात की थी. नाउ टेल मी योर नेम. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर. तो जैसे ही लाइक जैसे ही उसे बोला कि नाम बताओ बेटा अपना, तो क्या कहते हैं उसके सारे मतलब माथे वाते से सबसे पसीना छूटने लग गया, पूरी होल बॉडी वो स्वेटिंग. स्वेट का मतलब पसीना आना, ठीक है पसीना. तो वट हर वुड हर स्टैमर टंग अगेन डिस्क्रेस हर. क्या उसकी लड़खड़ाती जुबान इस बार फिर उसकी बेइज्जती करा देगी. लाइक हमेशा वो बेचारी भूल नहीं पाती थी तो उसका मजाक सा उड़ जाता था, तो उसे लगा क्या इस बार वो खुल के भूल पाएगी अपना नाम. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर. ठीक है तो उसे लगा था फॉर द सेक ऑफ काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, कि उसे लगा कि जब इतने इंसान ने प्यार से बात की है तो कोई कोशिश तो करनी चाहिए. ठीक है वो इतना ही बोल पा रही है वो, क्योंकि शी स्टैमर अलॉट सो शी बिगैन टू स्टैमर अगेन. वेल डन तो उसके क्या है ना टीचर, द टीचर एनकरेज्ड हर कम ऑन नाउ द फुल नेम. तो वो भा 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 करके भोली बोल देती है एट लास्ट. तो दिस इज व्हाट अ गुड टीचर इज एग्जैक्टली लाइक. ठीक है अ गुड टीचर ऑलवेज सपोर्ट हिज बैक, मतलब जो कहता है वीक स्टूडेंट्स, ओके सो ऑलवेज एनकरेज हर. तो एक अच्छे टीचर की तरह इसने भी वही काम किया. जब भोली इतना डरा हुई थी और वो कॉन्फिडेंट नहीं थी तो उनको उसने एनकरेज किया और उसको इतना हेल्प किया कि फाइनली शी वॉज अबाउट टू शी वॉज ऑलमोस्ट शी ऑलमोस्ट ट्राइड हर बेस्ट टू से हर नेम और उसने बोला भी. ठीक है एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. तो फाइनली उसको एनकरेज किया एज अ गुड टीचर शी एनकरेज हर एंड एज अ वंडरफुल लर्नर शी एक्चुअली स्पोक द नेम. ठीक है तो उसने भी पूरी कोशिश कर कर नाम बोला. तो उसी पर वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. कहता है इस जी नफरत वफरत मतलब ये जो है ना ये उसको शाबाशी देते हुए बोला कि बेटा ये डर है ना उसको अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो. तो जिस दिन इस डर को अपने दिल से निकाल दोगी ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ये मतलब ठीक है यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स. फिर तुम बाकी सब लोगों की तरह बोलना भी शुरू कर दोगे. बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली. तो वो बहुत ज्यादा मतलब सरप्राइज है कि ऐसा है अच्छा. तो शी विल ट्राई यस यस इट विल बी वेरी इजी यू मस्ट कम टू स्कूल एवरी डे विल यू कम. कहता है यस यस हाँ बेटा ये बहुत आसान है बड़े आराम से हो जाएगा ये काम. ठीक है यू मगर तुमको स्कूल आना चाहिए मगर उसके लिए रोज. तो कहता है क्या तुम आओगी. तो बोली नोडेड. नोडेड का मतलब या तो गर्दन यूं हिलाना या गर्दन यूं हिलाना. ठीक है या तो हाँ या ना. ठीक है नो से इट अलाउड. ठीक है यस यस एंड फाइनली बोली एक्सेप्ट कर लेती है कि वो रोज स्कूल आएगी. एंड बोली हर्सेल्फ वाज एस्टोनिश दैट शी हैड बीन एबल टू से इट. और बोली खुद इतनी सरप्राइज और एस्टोनिश थी कि फाइनली वो कुछ बोल पाई. डिडेंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक. कहता मैंने बोला था ना आप बिना बोले बिना रुके बोल सकती हो. लाइक अब जो उसने यस बोला वो भी एक झटके में बोला, थोड़ा सा रुकी मगर फाइनली शी कुड से यस. तो थोड़ी देर बाद ना डिडेंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक. कहता ये किताब पकड़ो. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड पिक्चर्स वर इन कलर. तो जो बुक उसके टीचर ने उनको दी थी वो क्या थी, वो फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स. लाइक बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स थे और पिक्चर बहुत कलरफुल थे उस बुक में. डॉग कैट गोट हॉर्स पैरट टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी. तो ये सारे जानवर थे लाइक कुत्ता बिल्ली बकरी घोड़ा तोता शेर एंड ऑल. ठीक है गाय सब उसमें पिक्चर्स में थे. एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन द ब्लैक बिग ब्लैक लेटर. और जो भी उनका नाम एज यू हैव सीन सम बुक्स लाइक साइंस और वट एवर बुक इट इज यू मस्ट हैव सीन वट एवर द पिक्चर इज उसके नीचे एक बोल्ड टाइप में लिखा होता है. लाइक सोशल स्टडी में अगर महात्मा गांधी का फोटो तो नीचे बड़ा बड़ा महात्मा गांधी ब्लॉक लेटर्स में लिखा होगा ब्लैक में. या फिर अगर कोई रीडर्स बुक होती है बच्चों वाली उसमें भी अगर ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉय या बॉल लिखा है तो उसके नीचे बहुत बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में ये मैंशन होता है. ओके तो
इन वन मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक. तुम एक महीने में जब ये मतलब जो बुक है वो आराम से पढ़ लोगी, और जैसे ही तुम ये बुक पढ़ लोगी मैं तुमको दूसरी बुक दूंगी. ओके, देन अ स्टिल बिगर वन, और इससे भी बड़ी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, देन नो वन विल बी एवर टू लाफ एट यू. तो मतलब मैं तुमको इतनी बेटर बुक्स दूंगी, बड़ी दूंगी और अच्छी बुक्स दूंगी कि तुम उन्हें देख, उन्हें पता है एक उन्हें पढ़ पढ़ के स्मार्ट हो जाओगी, बहुत समझदार हो जाओगी. और फिर देखना एक दिन ये गांव में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा. पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेस्ट स्टैमर. ठीक है, तो लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू करेंगे और देखना तुम बिना रुके बोलना भी शुरू कर दोगे. अंडरस्टैंड, समझ में आया? बताए नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली मॉर्निंग टुमारो. ठीक है, तो वो बताए कि आप घर जाओ और कल बिल्कुल सुबह टाइम पे स्कूल आ जाना. बोली फैल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेंपल्स वर रिंगिंग एंड ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स. हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ. तो उसे अब कुछ बड़ा सुहावना सुहावना लग रहा. लाइक जब मूड अच्छा होता है तो घंटियां बजती हैं, अच्छी अच्छी आवाज़ आती है, गाने बजते हैं इधर उधर. तो बड़ा ही मतलब सिनेमैटिक माहौल हो गया था कि इतनी खुशी खुशी मिली उसे स्कूल जाके, क्योंकि उसे कोई उसे इंटरेक्शन करने वाला इंसान मिला, उससे कोई इंसान बेचारी से बात करने वाला मिला. वहाँ पर कोई धुतकारने वाला नहीं था उसके घर की तरह कि जो भी घर में उसे धुतकार रहा है, परेशान कर रहा है. अब फाइनली कोई था जो उसको एक्चुअली समझ रहा था. तो एक्चुअली उसके मन में घंटी बज रही थी टेम्पल की, ऐसा लग रहा था कि टेम्पल की घंटियाँ बज रही है. ठीक है एंड स्कूल हाउस एंड ब्लॉसम टू बिग रेड फ्लावर्स. ठीक है, बड़े बड़े फूल उगे हुए हैं. ठीक है, और उसका दिल जो था वो नई नई उम्मीदों से और भरा हुआ था. लाइक अब लाइक समथिंग बेटर इज गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ फाइनली. दस द ईयर पास्ट, द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन. अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीता, तो वो जो गाँव था वो अब एक शहर में बदल गया. लाइक शहर क्या कहते हैं, कस्बे में बदल गया, टाउन टाउन में बदल गया. ठीक है, सिटी में तो नहीं मगर थोड़ा सा डेवलप हो गया. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गाइनिंग मिल्क. तो क्या हुआ, इतनी तरक्की हुई उसकी कि अब वहाँ पे सिनेमा हॉल भी बन गया था. ठीक है, और जो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था अब वो हाई स्कूल हो गया, मतलब टेंथ तक का हो गया था. ठीक है, कॉटन बन मतलब कॉटन को क्रश करने, गाइन करने की, उसे प्रिपेयर करने की मैन्युफैक्चर की मशीनें, मिल भी लग गई थी और टीम सिनेमा तो लग ही गया था. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन. और जो मेल ट्रेन होती थी लाइक मालगाड़ी, देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेन, देर इज अ पैसेंजर ट्रेन एंड देर इज अ मेल ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन है जो पैसेंजर जैसे हम जैसे लोगों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एंड मेल ट्रेन बेसिकली वो क्या कहते हैं मिनरल्स हो या फिर कुछ भी चीज़ हो जो ट्रांसपोर्ट करनी हो, लाइक पेट्रोलियम, कोल, वट एवर नेसेसिटी, वट एवर एनर्जी दे वॉन्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे यूज टू डू दैट. दैट मेल ट्रेन ये काम करती है. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट दिसंबर प्रपोजल. तो कहते हैं क्या मुझे दिसंबर का जो प्रस्ताव आया है, प्रपोजल आया है, वो मुझे मान लेना चाहिए. वो अपनी बीवी से बोलता है, यस सर्टेनली, और क्या, बिल्कुल हाल की हाल. His wife said, Bholi will be lucky to get such a well-to-do bride. मतलब Bholi की तो ये समझ लो किस्मत चमक जाएगी, ऐसा दूल्हा मिलेगा उसे. हाँ ठीक है, a big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. एक तो अपना खुद का दुकान है भैया का. ठीक है, जिनसे शादी होने जा रही है Bholi की, जो रिश्ता उसके पिताजी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, उनका प्रपोजल आया है Bholi के लिए. ठीक है, तो एक तो बहुत क्या कहते हैं बहुत बढ़िया आलिशान मकान है उनका, दुकान भी है, और बताते हैं कि कई हजार रुपए तो उन्होंने बैंक में भी जमा कर रखे हैं भाई. तो काफ़ी अच्छे खानदान, मतलब अच्छे घर से बिलोंग करते हैं. लेट्स सी व्हाट इट इज. मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी. और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या, बंदा दहेज नहीं मांग रहा है, बिल्कुल फ्री में शादी करने के लिए तैयार है. अरे वाह, काफ़ी अच्छी सोच लगती है. दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो. तो कहता है हाँ ये सब कुछ ठीक है, बट तुम्हें लगता है वो कोई यंग मतलब कोई जवान तो नहीं है. वो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम एंड यू ऑल्सो लिम्स. तो जहाँ थोड़ी गड़बड़ बात होगी कि लाइक एक तो आप खुद सोचो, वो जो लड़का जो Bholi के लिए रिश्ते के लिए आया है वो एक्चुअली उसके पिताजी की उम्र का है. लाइक
रामलाल कहते हैं एक दिक्कत है भैया कि एक तो वो मेरी उम्र का है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बराबर। सपोज कर लो कि अगर शादी और 7 बच्चों के बाद एक नॉर्मल उम्र अगर रामलाल जी की देखी जाए तो कम से कम नहीं 40 से 50 के बीच में तो आराम से होगी, मतलब बिना रुके 45 से ऊपर ही समझ लो। तो एक छोटी सी बेटी जो सब और सबसे छोटी बेटी थी उनकी बोली, तो एक पिता के नाते मतलब एक पिताजी के लिए बड़ी शर्म वाली बात है कि वो इस टाइप की थिंकिंग रखते हैं और अपनी हम उम्र मतलब बिल्कुल अपनी एज के बंदे से उसकी शादी कर देते हैं। और चलो ये तो मतलब ये तो गंदी बात है, इससे ज़्यादा और गंदी बात है कि वो जो बुढ़ा है वो लंगड़ाता भी है, ही ऑल्सो लिम्स, मतलब वो लंगड़ा लंगड़ा के भी चलता है। मोरओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन। अब भाई ये दो क्वालिटी तो कुछ क्वालिटी नहीं है, ये जो तीसरी क्वालिटी है जो उस इंसान की है वो ये है कि जो मतलब मोरओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हर फर्स्ट वाइफ, जो उसकी पहली भी, अब तो ये दूसरी शादी कर रहा है वो ऑलमोस्ट, जो उसकी पहली वाइफ से जो बेटे हैं लाइक वो भी ऑलमोस्ट लाइक अब बहुत बड़े हो चुके हैं। सो तीन क्वालिटी है बंदे की। पहली चीज वो बिल्कुल रामलाल जी मतलब भोली के पापा की उम्र का है, दूसरी लिम्स वो लंगड़ाता है, तीसरी उसकी जो पहली वाइफ से जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ग्रोन अप है लाइक मेच्योर बच्चे हैं, लाइक यू कैन से दैट द एज ऑफ दोस चिल्ड्रन आर अराउंड 20, बिकॉज इफ यू से ग्रोन अप इट मीन्स इट्स ओवर टीन एज, ठीक है, इट्स अबव टीन एज, यानी 19 क्रॉस कर चुके। सो दैट्स ऑफ द कंडीशन ऑफ भोली, मतलब एक पिताजी होने के नाते कितनी गंदी सोच है कि वो अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से कर रहा है जो बिल्कुल उनकी उम्र का है, ठीक है, और जो लंगड़ाता है और उसके बच्चे मतलब उसके बराबर के हो चुके हैं। सो वो दिस वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली शेमफुल फॉर सच अ पेरेंट, मतलब सच अ केयरलेस है ना, सच अ फूल दैट ही थिंक्स सो बैड अबाउट हर डॉटर इटसेल्फ, ठीक है। सो वॉट डज इट मैटर हिज वाइफ, और बीवी उससे भी ज़्यादा महान है उनकी, वो कहते तो क्या हो गया, मतलब 45 और 50 इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, मतलब शेम ऑन दीज पीपल, मतलब वो क्या बोलती हैं कि मतलब 45 और 55 ये तो कोई आदमियों की तो उम्र इतनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों से, मतलब म्यूचुअली दे एग्री टू द फैक्ट कि भोली की शादी कर देनी चाहिए, मतलब एक तरीके से इस टाइप के माँ बाप थे कि पीछे छुड़ा रहे थे उससे, ठीक है, विच वॉज एक्चुअली ए वेरी शेमफुल थिंग, एंड इवन लाइक नॉट ओनली फॉर दैट लाइक पेरेंट्स जो कहीं पे भी लाइक इस टाइप के हैं, आई थिंक अगर दे विल लिसन दिस आई थिंक दे शुड फील शेम अबाउट दिस थिंग, एंड वट एवर वी आई कैन नॉट से मच अबाउट इट, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, ठीक है। तो वो कहती है कि ये तो अच्छा है कि वो जो बंद लड़का है जिससे शादी हो रही है वो इस गांव का नहीं है, तो उसको उसके जो चेचक के दाग पूरे चेहरे पे है भोली के, एक तो उसके बारे में पता नहीं है और वो इतनी बेवकूफ है उसके बारे में भी नहीं पता, लाइक पॉक मार्क्स जो उसके चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स के धब्बे थे वो, और लैक ऑफ सेंस मतलब उसका जो सेंसलेस जो थोड़ी बहुत सेंसलेस थी वो लाइक कॉमन सेंस नहीं था उसमें हल्का, तो वो उसके बारे में उस लड़के को नहीं पता था। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल आर लाइफ, तो ये समझ लो कि ये बेचारी जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाएगी। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से, मगर मुझे अजीब लग रहा है कि भोली क्या बोलेगी, वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक ए डम काउ, वो भी मतलब वो भी क्या कहेगी, उसको क्या अकल क्या मतलब उसको क्या अकल है इस चीज़ के बारे में, शी इज लाइक अ डम काउ, वो तो एक मतलब गाय की तरह है, गाय डम यू नो डम वाट डम इज, ना सुनती ना समझती है ना, लाइक दैट पर्सन मतलब हो गया लाइक एकदम डम है। मे बी यू आर राइट मटर राम, हाँ तुम शायद सही कह रही हो, रामलाल जी अपनी बीवी से बोलते हैं। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवे ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स व्हिस्पर कन्वर्सेशन, और भोली ये सब कुछ एक कमरे में कोर्टयार्ड में बैठ के सब कुछ सुन रही थी खटिया पे पड़े पड़े, ठीक है, एक ये दोनों मतलब क्या प्लान कर रहे हैं एक्चुअली। विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, मतलब ग्रॉसर एक वो चीज है लाइक वो डील्स विद द बिजनेस ऑफ लाइक ईच एंड एवरीथिंग, लाइक परचूनी का भी काम होता है, 2 दिन बिजनेस कर रहे होते हैं डेली नीड्स के, तो विशंबरनाथ का अच्छा खासा काम था ग्रॉसरी का। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग, और अच्छा खासा दोस्तों का जमावड़ा और क्या था लाइक बारात में घोड़ी पे बैठे हैं और मतलब उनके क्लोज काफ़ी
रिलेशंस एंड फ्रेंड्स उनके आए हैं शादी में. अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हैड इट द प्रोसेस द ब्रास बैंड यू नो दैट बैंड दैट शादी पराठियों में यू नो आज मेरे यार की शादी हुई आई है टाइप के जो बैंड होते हैं लाइक वो जो बज रहे तो उसमें उनके सारे फ्रेंड्स चल रहे हैं. और क्या है ना एक वहाँ पे जो टिपिकल इंडियन फिल्म्स के जो सॉन्ग होते हैं वो भी प्ले हो रहे हैं और लाइक बारात धीरे धीरे बढ़ रही है. आई थिंक यू पीपल आर फैमिलियर विद इंडियन ट्रेडिशन मैरिज हाउ वी पीपल गेट मैरिड लाइक बारात जाती है एंड हाउ दैट नाच गाना इज बीन द सेम वे इट्स बीन डन. बिसंबर नाथ की जो बारात थी वो भी सेम तरीके से जा रही है विद द सेम ऑनर एंड ऑल सेम स्टाइल. तो ए ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम An Indian film had it the procession with the bridegroom riding a decorated horse. Or the same thing like Ram, जो दिसंबर नाथ है जो अच्छे खासे सजे हुए घोड़े पे बैठे हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उनके दोस्त वगैरह फुल माहौल बनाए हुए हैं शादी में. रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. मतलब इतनी इज्जत खातरदारी और जो जलवा देख के राम मतलब रामलाल जी अरे भाई मैंने क्या दामाद चुना है क्या भाई साहब क्या शान शौकत से मतलब बारात चट रही है मेरी बेटी की. ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग. उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी सबसे छोटी बेटी की जो शादी होगी इतनी धूमधाम और इतनी मतलब लाजवाब शानदार होने वाली थी. बोलीज एल्डेस्ट सिस्टर हु हैड केम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लव. जो बोली की जो बड़ी दीदी थी ना लाइक जो बचपन से उसे मतलब गाली देती रहती थी परेशान करती रहती थी वो भी मतलब उसे देख के बड़ा जल बुन रही थी कि आए राम मतलब इसे देखो क्या मतलब क्या अमीर घर घर मिला है क्या शानदार घर मिला है क्या मतलब पति तो छोड़ दो उसे मगर शान शौकत देखिए क्या सजावट क्या खर्चा किया है लोगों ने. बोली क्लैड इन अ रेड सिल्क ब्राइडल ड्रेस वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर. तो फाइनली जो ब्राइडल है ब्राइडल ड्रेस में जो ब्राइड है उसको लाया गया ग्रूम के पास. ब्राइड मतलब दुल्हन ग्रूम मतलब दूल्हा. तो जो दुल्हन है वो है बोली आज. तो बोली को लाया जाता है उस सेक्रेट फायर जो यज्ञ कुंड होता है हम जिसके सातों तरफ हिंदू ट्रेडिशन में फेरे लगा के शादी की जाती है दैट इज दैट सेक्रेट फायर. गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विसंबर नाथ. ठीक है तो दोस्त कहता है भाई माला डालो भाई गार्लैंड इज दैट यू नो माला वगैरह जो भी डालते हैं. द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड. तो जो दूल्हे महाराज हैं उन्होंने जो मैरी गोल्ड है गेंदे की फूलों की जो माला थी उनके हाथ में वो उठा ली. अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वील फ्रॉम द ब्राइड चेस. और एक जो पीछे औरत खड़ी थी उसने धीरे से जो घूंघट था वो बोली का पीछे से हल्का सा खिसका दिया ताकि वो प्रॉपरली माला डाल ले. विसंबर टुक अ क्विक ग्लांस टू उसने एकदम से एक झलक देखी भोली की तरफ. द गार्लैंड रिमेंड पॉइज़न इन हिज हैंड. तो एकदम जम गए वहीं पर वहीं के वहीं वो जम गए बेचारा. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वील ओवर हर फेस. मतलब ब्राइड ने क्या किया जल्दी से अपना चेहरा वापस ढक लिया क्योंकि उसको भी पता था कि मेरे पे चेहरा जो भी है मैं इतने खूबसूरत नहीं हूँ मेरे चेहरे पे जो है स्मॉल पॉक्स के दाग हैं. सो हैव यू सीन हर सेड दिसंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम शी हैड पॉक्स मार्क ऑन हर फेस. ठीक है तो दिसंबर उसके बगल में गया तुमने देखा इसको मतलब इसके पूरे चेहरे पे मतलब चेचक के दाग हो रखे हैं भाई. तो उसने अपने फ्रेंड को बोला सो वॉट यू आर नॉट यंग इधर अरे तो हो गया तू भी तो बुढ़ा है मतलब उस एक तरीके से उन्होंने उसे बोला मतलब तुम कौन से जवान हो तुम भी तो यार बुढ़ापे में शादी कर रहे हो. एंड हिज फ्रेंड वाज परफेक्टली करेक्ट कि भाई मतलब तुम किस लहजे में ये जज करने का तुम्हें हक है कि तुम मतलब उस लड़की में कमियां निकाल रहे हो और तुम खुद बुढ़े होके खुद लंगड़े होके इवन लाइक तुम कोई कहीं से किसी एंगल से बंदा परफेक्ट नहीं था सिर्फ किसी से परफेक्ट था कि हाँ उसकी एक दुकान थी और पैसा ठीक ठाक था. It does not, there is no definition or perfection when a person is monetary, मतलब wealthy, ठीक है, monetary good or wealthy person है, तो that is not a good human being definition according to anyone. तो वो कह रहा था तुम्हें मतलब तुम उसको देख रहे हो तुम खुद भी तो बुढ़े हो भाई. ठीक है so maybe but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. अगर हाँ ठीक है मैं हूँ मगर अब मैं शादी नहीं करूँगा और अगर शादी करूँगा तो इसके पिताजी को मेरे को 5,000 रुपये देने पड़ेंगे लाइक एज अ डाउरी समझ लीजिए क्योंकि पहले उस बंदे ने डाउरी लेने से मना कर दिया था मगर अब जब उसने देखा तो उसने ये एक तरीके से मुआवजे की तरह ही मांग लिया कि भाई ये मतलब आपको 5,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे. रामलाल बैंड एंड प्लेस इज टर्मन
इज ऑनर हैट डिसम्बर्स फीट। तो वही पुरानी मूवी वाला सीन एक तरीके से घट रहा है यहाँ पे, लाइक द मोमेंट जैसी लड़की की शादी रुकती है और ससुर मना करता है कि नहीं हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेंगे, तो बेटी का बाप जो होता है भाग के आता है इंडियन मूवी स्टाइल में और उठा के पकड़ी यहाँ पैरों में रखता है, ये भगवान मतलब साहब मेरी इज्जत का सवाल है, लोग मेरे मुँह पे थूकेंगे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो टिप तो वही सीन चल रहा है यहाँ पर भी, रामलाल वेंटन प्लेज टर्मन इज ऑनर, वो उठा के अपनी पगड़ी विशंबर के चरणों में रख देता है, प्लीज मेरी बेइज्जती ना कीजिए, मेरे पास सिर्फ 2,000 है मालिक, मैं आपको 2,000 रुपये दे दूंगा। तो वो कहता है कि भाई जितने उस पर हैं वो ट्राई कर रहा है, नो विशंबर कहता है भाई मुझे चाहिए 5,000 और वी गो बैक कीप योर डॉटर, नहीं तो भाई हम यहाँ से चले। कंप्लीटली मूवी सीन है, वो कहता है नहीं 2,000 में तो बात हो नहीं पाएगी, 5,000 देने दो वरना यहीं से हम वापस जाते हैं अभी, कीप योर डॉटर अपनी बेटी को रखो, बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, थोड़ा मतलब थोड़ा समझदार बनने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बात तो कीजिए, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द मतलब भगवान आप अगर चले गए विशंबर जी तो मैं इस पूरे गाँव में मेरे सकल मतलब मैं अपना मुँह दिखाने काबिल नहीं रहूँगा, मैं लुट जाऊँगा बर्बाद हो जाऊँगा ऑल दैट थिंग। सो ही वॉज एक्चुअली वेरी टेरीफाइड राइट नाउ, तो वो भी घबराया हुआ था रामलाल कि अब क्या होगा। देन आउट विथ 5,000, तो रामलाल पे और कोई चारा नहीं था, उसे शादी करनी करनी थी, एंड दिस वॉज द फाइनल चॉइस ही हैड टू ब्रिंग दैट 5,000 रुपीज एंड गिफ्ट टू रामलाल। तो उसने क्या किया, रूम में से 5,000 रुपये लेके आता है और रामलाल जी को दे देता है। देन आउट विथ 5,000, ठीक है, टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस रामलाल वेंट इन ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, बेचारे की आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके बेचारे के 5,000 रुपये जा रहे थे मतलब बेबात में, ठीक है। And he actually safely went to the cupboard wherever he kept, used to keep his notes. निकाल के आता है, गिनता है 5,000, he placed the bundle at the bride's foot और लाके गड्डी दूल्हे राजा के चरणों में रख देता है। On December's greedy face appeared triumphant smile, और उस लालची चेहरे पे greedy लालची आई जीत की खुशी, मतलब उसको जो चाहिए था वो उसे मिल गया, उसने एक जी एक बाजी खेली थी कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस, तो उसने उसके जो लालचीपन था एक्चुअली उसको क्या हो गया, उसको फाइनली वो पैसे मिल गए, तो वो उसे ऐसा लगा कि फाइनली मैं जीत गया भाई, मेरी जीत हो गई, ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने एक जुआ खेला और वो जीत गया, मतलब एक तरीके से ट्रिक मारी, अगर वो नहीं भी देता 5,000 तो शायद वो शादी करता, ठीक है, उस बुढ़ापे में उसे आई थिंक उससे उसके पास कोई बेटर चांस ही नहीं था, ठीक है, मगर उसने ये गेम खेला उसके साथ कि चलो 5,000 का एक गेम गैम्बल करते हैं, गैम्बल यू नो इट्स अ लाइक इट्स अ गेम, ठीक है, ऑफ मनी विच डील्स विद मनी, गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, ठीक है, लाइए मेरे को मेरी वाला वापस कर देते कर दो, ठीक है, सेरेमनी शुरू करते हैं। वंस अगेन द व्हील वाज स्लिप बैक फ्रॉम द ब्रिजेस फेस ब्राइड्स फेस बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, और एक और बार फिर भोली के जो सर से घूंघट हटता है थोड़ा पीछे, मगर इस बार उसकी आंखें नीचे नहीं थी, ठीक है, इस बार उसकी आंखों में थी, उसकी आंखों की तरफ थी, ठीक है, नाउ दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, शी वाज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट और सीधे देख रही थी एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उसके होने वाले पति की आंखों में, एंड इन हर आईज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट ओनली कोल्ड कंटेंप्ट, मतलब एक धिक्कार वाली फीलिंग जो होती है ना कि मतलब ना तो किसी को गुस्सा आ रहा है ना किसी को प्यार आ रहा है ना मतलब लाइक कोई नफरत नहीं और कोई नहीं मतलब एकदम से धिक्कार नहीं होता मतलब कुछ इट्स द वर्स्ट फीलिंग फॉर अ पर्सन जब वो सोचता है एंड जिसके लिए कंटेम्प्ट फीलिंग आती है ना एक अंदर से आई थिंक वो इंसान इज गुड फॉर नथिंग वो इंसान कोई मैटर ही नहीं करता उस इंसान की लाइफ में ठीक है दैट पर्सन इज गुड फॉर नथिंग फॉर दैट पर्सन ठीक है विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक बट बिफोर ही कुड डू सो होली हैंड स्ट्रक और लाइक अ स्ट्रीक इन लाइटिंग एंड गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर तो व्हाट हैपेंड जैसे ही विशंबर कोशिश करता है कि हाँ माला डालने की तो भोली क्या करती है जैसे एक बिजली कड़कती है ना यूं करके एकदम से फेंकती है माला को और जाके वो कहाँ गिरती है उस फायर में लाइक जो क्या कहते हैं सीक्रेट फायर था लाइक जो जल रहा होता है जिसके साथ चारों तरफ फेरे लेते हैं शादी में इंडियन ट्रेडिशन में सो वो जो माला होती है वो वहां जाकर गिर जाती है She got up and threw away the veil. ठीक है पिताजी said Bholi in a clear loud voice. And her father, mother, sister, brother, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. तो क्या हुआ कि एकदम से बोली जलाते पिताजी
सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है लोगों को वहां हुई कि उसके भाई बहन रिलेशन रिश्तेदार जो भी बैठे हुए थे वहां पे सब एकदम से चौंक गए कि भाई ये क्या हो गया। मतलब एक तो बोली बोली और बोली वो भी बिना रुके बोली, बिना स्टैमरिंग के एकदम एक लाइन में, मतलब स्ट्रेट, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, कि पिताजी आप अपना पैसा वापस उठा लीजिए क्योंकि मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली राइट नाउ लाइक यू सीन द पिक्चर एज इज देयर, कि किस तरीके से शी इज बीन आर्गुइंग विद दैट पर्सन, दैट ओल्ड पर्सन जो उससे शादी करने आया है, एंड एट द बैक हर फादर एंड मदर आर देयर, ठीक है। सो शी इज बीन फाइटिंग एंड शी इज बीन कमेंटिंग, मतलब उसकी एक तरीके से बेइज्जती कर रही है। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, द गेस्ट बिगिन टू विस्पर सो शेमलेस सो अगली एंड सो चैनल। तो भाई रामलाल तो एकदम थंडरस्ट्रक होता है, जैसे बिजली कटक गई, कड़क की एकदम सामने से एकदम जम गए वो, तो पता क्या हुआ क्या ये सब। और रिश्तेदारों का तो जो काम है भाई वो ही करेंगे, विस्पर इधर से उधर की बात, उधर से अरे घुसर घुसर चालू होगी, बड़ी मतलब कितनी शर्म की बात है। शेमलेस सो अगली एंड सो शेमलेस, मतलब कितनी शर्म की बात है, मतलब क्या है, कितनी बेइज्जती करा दी है लड़की, मतलब ऑल दैट थिंग। बोली आर यू क्रेजी साउंड शाउटेड रामलाल, यू वॉन्ट टू डिस्क्रेज योर फैमिली, हैव यू सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत इज्जत ऑनर, वही सम्मान। बोली कहती तुम पागल हो, रामलाल बोल के पिताजी बोलते हैं कि तुम मतलब ये हमारी मतलब बेइज्जती मिल करके तुम्हें क्या मिल रहा है, लाइक तुम्हें कोई भी हमारी इज्जत की परवाह नहीं है, लाइक इस गाँव में फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेट। बोली कहता कि पापा आप ही की इज्जत के लिए कर रही हूँ, I was willing to marry this lame old man, ठीक है, मैं इस बेवकूफ आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, क्यों, क्योंकि पापा वो आपकी इज्जत थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्परेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, ठीक है। तो वो नहीं चाहती थी कि ऐसा लालची और घिरा हुआ आदमी, मतलब वो छोटी, ठीक है, छोटी कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है छोटी सोच वाला आदमी, ठीक है, एज माई हस्बैंड आई वॉन्ट, ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज हार्मलेस डम काव, ठीक है, कितनी शर्म, मतलब कितनी बेशरम लड़की है ये, हमने तो सोचा था ये जो गाय होती है ना जो किसी को हर्ट नहीं करती ना मारती है, चुपचाप बैठी रहती है, हमने सोचा था ये तो वैसी बोली है। बोली टर्न वायलेंटली ऑन एंड ऑन द ओल्ड वुमेन, यस आंटी यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइविंग काव, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी टू दिस हर्टलेस क्रिएचर, सही बोल रही हो आप आंटी, आप यही सोचती हो ना कि मैं मतलब एक डम्ब काव हूँ, बिल्कुल शांत रहने वाली गाय, सीधी सादी, इसीलिए मुझे कहीं पे भी बांधे दे रहे हो, इस बेवकूफ इंसान के साथ मेरी शादी कराए दे रहे हो। बट नाउ द डम्ब काव द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, ठीक है, मगर अब जो गाय थी और जो तुतलाती थी लड़की और जो मतलब हकलाती थी व्हाटएवर, वो अब बोलना सीख गई है, ठीक है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम मतलब आप चाहती हो कि कुछ और सुनाऊं मैं आपको। विशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, तो विशंबर नाथ जी का क्या हो चुका है, अब पैकअप हो गया, शादी नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा अपनी पार्टी इकट्ठी की, आए चलो अब वापसी की तैयारी करो। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, तो जो बैंड वाले थे भाई उनका तो काम है भाई हर मौके का एक गाना पेश करना होता है उन्हें, तो उन्हें लगा यहाँ पे भी शादी खत्म हो गई है तो एक एंड का गाना हो जाए, तो वो एक एंड का गाना सुना देते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड हिज हेड बाउड लो विद द वे ऑफ ग्रीफ एंड शेम, और जो रामलाल जी इसी एज अ फादर, हाँ थोड़ी उनकी बेइज्जती हुई होगी मगर आई थिंक ये बेइज्जती नहीं है, काफ़ी इज्जत वाला काम है, ठीक है, जो उसने किया बोली ने किया, आई थिंक हर लड़की में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इतना स्टैंड लेने की क्या कहते हैं कैपेसिटी होनी चाहिए कि शी कुड फाइट बैक, शी कुड फाइट फॉर हर ऑनर, ठीक है। तो आई थिंक रामलाल जी हाँ दुखी है मगर वो खुश हो जाएंगे, मगर जो बोली ने किया आई थिंक एवरी वन शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट गर्ल। द फ्लेम्स ऑफ सेक्रेट फायर स्लोली डाउन, तो धीरे धीरे जो उसके फ्लेम्स थे वो कम होते चले गए, जो क्या अग्यारी जो भी होती है, एवरी वन वॉज गोन, सब जा चुके थे। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, व्हाट शैल वी डू विद यू, कि पता है तुम्हारी अब कभी जिंदगी में शादी नहीं हुआ, बताओ हम तुम्हारा करें क्या, क्या करेंगे तुम्हारा। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, बट सुलेखा जो भोली है, लाइक भोली का असली नाम है, वो बड़े ही प्यार से उन्हें बोलती है, डोंट यू वरी पिताजी,
in your age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. ये पिताजी आप टेंशन मत लो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं आपका और मम्मी का दोनों का ख्याल रखूंगी, और जिस स्कूल में आज मैं पढ़ रही हूँ ना, और कुछ दिन बाद जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी. Isn't that right, ma'am? तो वो यही बोल के अपनी मैम की तरफ क्वेश्चन करती है, राइट? ये बात सही है ना मैम, मैं ऐसा कर सकती हूँ ना. तो द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर. तो जो वो मैम थी जिसकी वजह से आज बोली इतना बोलना सीखी थी, शी वॉज अबाउट टू यू नो टेक चैलेंजेस, वो उसके पास ही खड़ी थी. एंड आई थिंक शी इज द रियल सुपर मॉडल फॉर द एनी पर्सन. वो टीचर जिसने भोली को वो कॉन्फिडेंट और वो लाइफ दी, जिसकी वजह से आज थिंक भोली ने अपनी भी जान बचाई और टाइग अपने मम्मी पापा को भी बचाया आज एक तरीके से. तो इन द कॉर्नर शी वॉज वॉचिंग ऑल द ड्रामा, वो सारा ड्रामा देख रही थी. यस भोली ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्प्लेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस. तो और दूर बैठ के वो जो उनकी टीचर थी वो बहुत खुश थी और बहुत सारी, शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड. पता है क्यों? क्योंकि दिस वॉज अ मास्टरपीस शी क्रिएटेड, ये उनका मास्टरपीस था. एक्चुअली जब एक टीचर खुश कब होता है ना, जब उसका बच्चा जो उनको पढ़ाया, उसको बच्चे को पढ़ाया, वो उसको यूज कर पाता है, वो उसका कुछ आउटपुट निकाल पाता है, ठीक है, कुछ प्रोडक्टिव कर पाता है उस टीचिंग्स का. तो दैट वॉज द अचीवमेंट फॉर द टीचर, बिकॉज आज जो भोली बोल पाई, जो भोली ने किया, एक्चुअली वो उसके लिए एग्जाम्पल नहीं था, वो बाकी पेरेंट्स के लिए एग्जाम्पल था, वो बाकी सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल था. ओके, वो हर उस लड़की के लिए एग्जाम्पल था जिसके साथ इस टाइप का अत्याचार उधर हो रहा था. तो शी टुक अ स्टैंड एंड शी सेट एन एग्जाम्पल, एंड हर टीचर वॉज वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट गर्ल कि फाइनली शी डिड समथिंग विच शुड बी, मतलब, एंड दैट्स वाई शी इज टेलिंग कि ये मेरा मास्टर पीस है. तो आई थिंक एवरी टीचर शुड बी लाइक दिस, जिससे एक बच्चे की लाइफ जो है ना वो सुधर जाए. एंड दिस चैप्टर हैज नंबर एंड नंबर ऑफ थिंग्स जो एक्चुअली चेंज होनी चाहिए एक लड़की की लाइफ को लेके, एक इंसान के लिए प्रति जो लोगों का व्यवहार होता है, हाउ दे ट्रीट पीपल, हाउ दे ट्रीट एबनॉर्मल पीपल, ठीक है, जो थोड़े से दिमाग से कमज़ोर होते हैं या पैसे से कमज़ोर होते हैं, उनके साथ कभी भी इस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए जो इस चैप्टर में दोहराया गया है. ओके, वी शुड फील इक्वल, वी शुड यूनाइट ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है, विथ ऑल द राइट्स, एंड देन वी शुड लिव विद देम, ठीक है, वी शुड शेयर विद देम. तो दैट इज वॉट, एंड बींग लाइक अ गुड टीचर, एवरी वन शुड टीच अ स्टूडेंट लाइक दिस कि एक दिन वो अपने पैरों पर खड़ा तो हो और एटलीस्ट उसमें इतना कॉन्फिडेंस आए कि जो भी उसके दिल में है पॉजिटिवली ही कैन स्पीक एंड ही कैन पुट फॉरवर्ड अगेंस्ट, ठीक है, टूवर्ड्स ऑल एवरी वन इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो अपनी बात कहने की हिम्मत रखे, इतना कॉन्फिडेंस उसमें आना चाहिए. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी आई हैव रेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.